हेलो राम राम जी। एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी? ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, हरियाणा के 6 जिलों के लिए आई है बहुत बुरी खबर। कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं, क्या कुछ बुरी खबर आई हुई है हरियाणा के इन 6 जिलों के लिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दे। एजुकेशन नॉलेज टीवी नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जॉब और शिक्षा से प्रत्येक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में 52 नए मरीज कोरोना से, 6 की मौत। गुरुग्राम में 45 वर्षीय मरीज ने पीजीआई रोहतक में दम तोड़ा। सरकार ने संस्कार में कोई परिजन शामिल ही नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ घटना हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 18 का रहने वाला था, नगर निगम की ने किया था अंतिम संस्कार, परिजन नहीं पहुंचे। सबसे ज़्यादा 17 मरीज सोनीपत में मिले हैं, फरीदाबाद में मरीज, गुरुग्राम में 9 मरीज, जींद में 8 मरीज मिले हैं। पूरी खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। हरियाणा में रविवार को कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 445 पहुँच गया है। एक दिन में 52 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना की वजह से 6 की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम सेक्टर 18 के रहने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति की रोहतक पीजीआई में मौत हो गई है। उन्होंने 30 अप्रैल को रोहतक पीजीआई लाया गया था, यहाँ आईसीयू में रखा गया था। शनिवार को देर रात उसकी मौत हो गई। पीजीआई प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। नगर निगम रोहतक इनका अंतिम संस्कार किया है। जानकारी मिली है कि संस्कार में कोई परिवर्तन शामिल ही नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल में 3 की मौत हुई थी, वहीं यहाँ पर 2 की मौत और हो चुकी है। कौन कौन से जिले में, यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश में एक ही दिन में अंदर 52 नए मरीज से हड़कंप मच चुका है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा 17 मरीज सोनीपत में मिले हैं, फरीदाबाद में 11 मरीज, गुरुग्राम में 9 मरीज, जींद में 8 मरीज, यमुनानगर और झज्जर में अलवल में 2-2 मरीज, जबकि पानीपत में एक मरीज मिला है। सोनीपत में सिविल अस्पताल का डॉक्टर भी पॉजिटिव मिला है। तो भाई इन जो जिले आए हैं इन्हें बहुत बुरी हालत है हरियाणा के, इन जिलों के लिए। और हरियाणा में अब कोरोना अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। 445 संक्रमित मरीज की संख्या पहुंच चुकी है। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आप यहाँ से किस प्रकार बनी हुई है ये भी मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।